हिंदू रीति रिवाज के अनुसार आज के दिन महिलाएं अपने पति की लंबी उम्र और स्वास्थ्य शरीर के लिए वट सावित्री का उपवास रखती हैं। आस्था और पूजा की बात करें तो महिलाएं बहुत से उपवास और पूजा रखती हैं, कभी भाई के लिए, कभी पति के लिए, तो कभी अपने बच्चों के लिए। लेकिन आज का जो उपवास ज्येष्ठ अमावस्या तिथि को वट सावित्री मनाया जाता है, जानकारों के अनुसार माता सती सावित्री अपने सतीत्व के बलबूते पर मृत पति को यमराज के द्वार से वापस ले आई थी और इसलिए महिलाएं सती सावित्री को प्रेरणा स्रोत मानकर आज के दिन उनकी पूजा करती हैं और इसके साथ ही अपनी सुहाग की लंबी उम्र की कामना भी करती हैं। प्रकाश साहू और आप देख रहे हैं रफ्तार मीडिया। हमेशा की तरह एक बार और छत्तीसगढ़ की महिलाएं पूजा और व्रत को लेकर एक बार फिर से सामने आई हैं। महिलाएं कभी पूजा अपने पतियों के लिए तो कभी अपने भाइयों के लिए पूजा करती हैं। आज क्या विशेष है जिसमें पति के लिए उपवास रखा जाता है? हमारे पास बहुत सारी महिलाएं हैं, हम उन्हीं से जानेंगे आखिर क्या कुछ है आज। देखिए, सबसे पहले आप सबको रफ्तार मीडिया परिवार की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद। देखिए, आज वट सावित्री का पूजा रखा जाता है, ऐसा क्या मान्यता है जिसको लेकर आज महिलाएं वट सावित्री का पूजा रखती हैं? आज के दिन पति की लंबी आयु के लिए पूजा किया जाता है और ये यानी कि माता सावित्री जो है यमराज से अपने पति को वापस ले आती है, इसलिए इस पर्व को मनाया जाता है। और देखिए, बात करें अगर इस पूजा को लेके, तो इस पूजा से लेके आपको कितना आस्था है? बहुत आस्था है, यानी कि मन में एक विश्वास जगा हुआ है कि हाँ ये हो सकता है, संभव है ऐसे कहें। हमारे पास कुछ और भी महिलाएं हैं, हम उनसे भी चर्चा करेंगे आखिर उनका अपना क्या रहा है। देखिए, सबसे पहले आप अपना नाम बताएं। देखिए, आज का उपवास जो आप रख रही हैं, कब से रख रही हैं और आपका इसको लेके क्या कुछ कहना है? अब ये उपवास तो हम हर साल मनाथन और सत्यवान और सावित्री माता के जय करके हम सब मनाथन। जैसे कि आपने देखा था कि सबके सब यहाँ पे महिला मन सुहागिन महिला मन आए हैं और उनके काफ़ी आस्था है कि हमने व्रत में कर तो हमारे मन के जो पति है वो मतलब लंबी आयु है और यही आस्था और यही भगवान से हम आशीर्वाद मांगते प्रार्थना करते हैं कि जैसे माता सावित्री अपन पति सत्यवान के जान में बचा करके लाए रहे हैं, वैसे ही हमन भी अपन पति के लंबी आयु के लिए और उनके स्वस्थ जीवन के लिए हमारा कामना करते हैं और हमारा पूरा विश्वास है कि माता सावित्री है हमारा ऐसे आशीर्वाद दी है जिन्हें हमारे पति मतलब सुख शांति समृद्धि सदबुद्धि और सुंदर स्वास्थ्य के आशीर्वाद दी है। देखो, हमारे चैनल ये जानना चाहिए कि जिन्हें उपवास आज रखे हो पहला सुहागन ही रखे कि और कौन भी रख सकते? ऐसे तो पहला सुहागन मनहर ही रखे, लेकिन कभी कभी ऐसे भी होते ना कि जो लड़की मन शादी के लायक हो जाते हैं वो पहले भी अपन आने वाला भविष्य ध्यान में रखते हुए अपन होने वाले पति के लिए भी व्रत कर सकते हैं और भगवान में आस्था है और मन आशीर्वाद भी मिलते हैं कि उनके आने वाला जो समय है पति के साथ वो काफ़ी सुंदर स्वस्थ जीवन में जी सकते हैं। देखिए, हमारे पास महिलाएं थी जो निश्चित तौर पे आपको हमको बताया कि आज के उपवास को लेकर आखिर क्या कुछ कहना है। हमारे पास आज पंडित जी भी है, उपस्थित हैं। हम पंडित जी से भी आखिर जानना चाहेंगे कि उनका क्या कुछ राय है महिलाओं को लेकर, इस उपवास को लेकर। पंडित जी, सबसे पहले आपको रफ्तार मीडिया की ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई। धन्यवाद। पंडित जी, आज को उपवास महिलाएं रखती हैं, क्या कुछ विशेषताएं हैं, आखिर क्यों मनाया जाता है आज के ही दिन? वट सावित्री का जो व्रत है पूरे भारत में महापर्व के रूप में हमारी सुहागिन महिलाएं जो हैं मनाते हैं। जैसे यमराज के वचन को सावित्री ने हटा दिया 3 दिन तक व्रत करके और सत्यवान का रक्षा किया भगवान ने, उसी तरह हमारी माता लोगों का एक बहुत बड़ा आस्था है कि हमारे पति स्वस्थ रहे निरोग रहें, उसके पीछे में हम हैं, हम भी स्वस्थ रहें निरोग रहें, ये कामना के साथ ये वट सावित्री का व्रत किया जाता है। जैसे सावित्री माता के व्रत करने से सत्यवान को लंबी आयु मिला, उसी तरह सभी माताओं को लंबी आयु निश्चित रूप से मिलती है, ये साक्षात इसका प्रमाण है। पंडित जी, हमारा चैनल जानना चाहेगा आखिर क्या कुछ कारण है जिसकी वजह से महिलाएं वट वृक्ष पर ही पूजा करती हैं, अपने पति की लंबी आयु के लिए बात हो या स्वस्थ शरीर की बात हो? जैसे ब्रह्मा जी का बनाया हुआ ये सृष्टि का रचना है और वट वृक्ष ब्रह्मदेव है और ब्रह्म देवता से ही हम आशीर्वाद लेते हैं कि हे ब्रह्म देवता, हमारे पति के आयु को लंबा रखना और हमारे पति के पीछे में हम हैं, हमारा भी सुहागिन है हम लोग और हमारा भी सुहाग की रक्षा करना, इसलिए ये वट सावित्री वट वृक्ष जो है ब्रह्मा का ही प्रतीक है। चलिए, हम सब रफ्तार मीडिया परिवार की ओर से आप सभी के लिए महिलाओं के लिए शुभकामनाएं है कि सबकी पतियों की लंबी उम्र हो। कैमरा पर्सन तरुण के साथ मैं जयप्रकाश साहू, रफ्तार मीडिया, कस्तूर।